फिर और ये भरम में रहना नहीं कि ट्रॉफी वहां पे आने वाली है, ट्रॉफी तो यहीं आने वाली है। अगर चूड़ी का इतना ज्यादा शौक चढ़ा है अभी तो मैं अपना कटारिया के हाथ से भेजा देता हूँ, जो कि अभी बोला जा रहा है कि एल्विस का मैनेजर है, तो मैं उसके हाथ से भेजा दूंगा। तो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूनिक टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ट्रेंडिंग चल रही है भाई, जोरों शोर में उठ रही है, आसमान छू रही है। कौन सा? अदनान शेख ने एंट्री लिया है वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस में। एंट्री तो लिया भाई, उसके बाद से जो बाहर की दुनिया में जो हलचल मचा आपको क्या ही बताओ। बाहर की दुनिया में अभी बताऊं आपको, बिग बॉस बिल्कुल नहीं रहा। अभी ये जंग चालू हो गया, दो वॉर चालू हो गया, दो ग्रुप के बीच में, टीम 07 वर्सेस एल्विस आर्मी, टीम 07 और एल्विस आर्मी के बीच जंग चालू हो गई है। अब देखते दोस्तों होना क्या है। आपको बताओ, जहां पे एल्विस और कटारिया को मिला के 15 मिलियन होते हैं, वहां पे भैया ये 4-5 को मिला के 50-60 मिलियन होते हैं। दोस्तों अब देखना है जंग किसके बीच में कितना कहां तक पहुंचती है, क्योंकि आपको बताओ जैसे ही अदनान शेख एंट्री मारते हैं बिग बॉस में, वैसे एल्विस यादव ने एक वीडियो बनाया, सुना है मैंने कि अदनान शेख बिग बॉस में गया हुआ है, मेरा बहुत फेवरेट है वो, मुझे चूड़ी उसने नहीं भेजी, चूड़ी भेजने के लिए बोला था। तो एक वीडियो में अदनान शेख ने एल्विस यादव को बोला था कि मैं तुमको चूड़ी भेजूंगा तुम्हारे लिए, तो वही बोल रहा था एल्विस यादव कि मुझे अब तक चूड़ी नहीं मिली। तो उसकी रिप्लाई में उसके दोस्त ने सद्दू ने भेजा, बोला है कि आप चिंता मत करो मैं आपको चूड़ी उड़ी दे रहा था, तो अब उसको याद आया, इतने टाइम से याद नहीं आया था, तो अभी याद आया है, तो अभी अदनान है नहीं रिप्लाई देने के लिए, तो मैं सोचा कि मैं दे देता हूं रिप्लाई अपने भाई की तरफ से। तो भाई अगर तुझे चूड़ी चाहिए तो अपना एड्रेस भेज दे, मैं तेरे एड्रेस पे भिजा देता हूँ, एड्रेस आप मुझे भेज दो, मैं आपको चूड़ी भेज दूंगा, कलर चॉइस कर लो। दोस्तों अभी जंग जो है ना, जंग स्टार्ट हुआ है, अभी ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अदनान शेख वर्सेस कटारिया बहुत लंबी जंग चलेगी, और दोस्तों इतना ही नहीं, अदनान का और कटारिया का एक बार हो भी चुका, जैसे ही अदनान शेख अंदर एंट्री मारते हैं कटारिया वर्सेस अदनान स्टार्ट हो गया था, लेकिन अदनान ने बोला अभी रुक जा, अभी तो आया हूँ। दोस्तों यहाँ पे इनकी बात खत्म होती है और अभी स्टार्ट होगी भाई न्यू जर्नी बिग बॉस की। और भाई तहलका सिर्फ अंदर नहीं दोस्तों, तहलका बाहर बहुत मचेगा और इतना मजा आने वाला है क्या बताऊँ। और इसके लिए आप सबको लगे रहो मेरे साथ।